मम्मी मम्मी देखो मेरा रिजल्ट आ गया। अरे वाह, बता जल्दी से कितने परसेंट रिजल्ट बने तेरे? सोचो सोचो मम्मी, कितने बने होंगे? क्या सोचो, अब तो इतना भी तो इंटेलिजेंट है नहीं जो तेरे 99% बनेंगे। जो भी बने हैं बता दे। बात तो आप सही कह रही हो मम्मी, 99 तो नहीं, लेकिन हाँ मैं रिया से ज्यादा मार्क्स लेके आया हूँ। क्या सच्ची? फिर तो तू मेरे लिए 100 में 100% लाया है, बता। हाँ माँ, पूरे 92% मार्क्स आए हैं मेरे, और अपने स्कूल में मैंने टॉप किया है। अब जो मुझे सारा दिन बोलती थी ना, रिया बहुत पढ़ती है, उसकी मम्मी टीचर भी है, ऐसा है वैसा है, पीछे कर दिया ना मैंने उसको। अरे वाह मेरा बेटा, जुग जुग जियो, तूने तो आज दिल खुश कर दिया। मेरा फोन लेके आ, तो रिया की मम्मी को फोन लगाऊं तो जरा? बड़ा मुझे बोलती थी मेरी रिया तो आपके बेटे से आगे ही निकलेगी। हेलो सुमन, मैं राहुल की मम्मी बोल रही हूँ। सुना है बच्चों का रिजल्ट आ गया है? हाँ हाँ प्रीती, रिजल्ट तो आ गया है बच्चों का। और राहुल का रिजल्ट कैसा आया? कुछ खास नहीं, बस 92% ही आए हैं। ये तो बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। और रिया के कितने मार्क्स आए हैं? उसके तो कम ही आए हैं, 77% ही बने हैं उसके तो। चल कोई नहीं, पास तो हो गई कम से कम। हाँ सुमन, सही कह रही हो। ठीक है, बच्चों ने अपनी तरफ से कोशिश की जितना हो सकता था, किसी के कम किसी के ज्यादा, कोई बात नहीं। और रिया का फिर आगे का क्या प्लान है? क्या करेगी बेचारी अब? डॉक्टर इंजीनियर तो बन नहीं सकती है कि नहीं? बुरा मत मानना, पर इतने कम परसेंटेज में अच्छी कॉलेजेस कहाँ मिलती हैं। हाँ सुमन सही कह रही हो, देखती हूँ, जो बच्चों की इच्छा हो वो कर लें, बस जिसमें मन लग जाए, जिसमें उनका इंटरेस्ट हो वो कर लें। अच्छा सुमन रखती हूँ, फिर लगाऊंगी। ठीक है ठीक है। देखा बेटा कैसे उसके मम्मी ने बहाना बनाकर फोन ही रख दिया, अब बोल रही है अरे कुछ तो कर ही लेगी बच्ची, अरे खाक कर लेगी। मेरा राजा बेटा, मेरा सोना बेटा, तूने तो आज मेरा सीना चौड़ा कर दिया। अब बस बेटा तुझे डॉक्टर बनना है, मैं तुझे कैसे भी करके कोटा कोचिंग करने भेजूंगी, भले ही मैं कितनी भी मेहनत करूँ, कितने भी पैसे काट काट के तुझे दूँ, लेकिन अब तो तुझे डॉक्टर ही बनना है, और मेरी सहेलियों मेरे रिश्तेदारों के बीच मेरा सिर ऊंचा करना है तुझे। मैं तेरे से पापा से बात करती हूँ कि वो पैसों का इंतजाम कर ले कोचिंग के लिए, तुझे कोटा भेजने के लिए। अब तो मेरा बेटा MBBS डॉक्टर बनेगा। पर मम्मी मुझे साइंस पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। क्या? अरे साइंस नहीं लेगा तो फिर डॉक्टर कैसे बनेगा? पर मम्मी मैं कुछ और भी तो बन सकता हूँ। कितने सपने देखे थे, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, समाज में नाम रोशन करेगा, लेकिन तू? अच्छा चल तू एक काम कर, मैथ ले ले और इंजीनियर बन जा। नहीं मम्मी, मुझे आर्ट लेना है, और मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, मैं IPS ऑफिसर बनना चाहता हूँ। क्या? अरे दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? अरे दुनिया समाज के लोग क्या कहेंगे कि 92% लाने के बाद भी जब तुझे यही करना था तो फिर क्यों पढ़ाई करी? इतनी तेरी कोचिंग लगवाई, इतना पैसा खर्च किया आर्ट पढ़ने के लिए। IPS ऑफिसर बनेगा, बड़ा आया। तू या तो साइंस ले ले या तो मैथ ले ले, तीसरा ऑप्शन नहीं है तेरे पास, समझा? मैं तेरे पापा से कह के कोचिंग के फीस का अरेंजमेंट करवाती हूँ और कोटा जाने की व्यवस्था करवाती हूँ। और अब तू मुझे साफ साफ बता दे कि तुझे डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर बनना है। मम्मी प्लीज मेरी बात मान लो ना, मैं बहुत अच्छा ऑफिसर बन के दिखाऊंगा, मुझे आर्ट लेने नहीं दो, मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट आता है पढ़ने में। चुप, कहा ना, एक चीज बता दे, या तो इंजीनियर बन जा या तो डॉक्टर। ठीक है मम्मी, जो आपकी मर्जी वो करूँ फिर। अरे कविता आओ आओ, कैसी हो सुमन? अच्छी हूँ, तुम बताओ कैसी हो? आज अचानक इधर से कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, बस बेटी को कोचिंग छोड़ने गई थी, इसलिए सोचा बहुत दिन हो गए तुमसे मिली नहीं तो मिल लेती हूँ। अच्छा किया, और बेटी को यहीं कोचिंग करवा रही हो? हाँ। क्यों? अरे कुछ नहीं,
कह सकते हैं, गरीबी में सब झेलना ही पड़ता है। नहीं तो कौन से माँ बाप के सपने नहीं होते कि हमारा बच्चा अच्छी जगह कोचिंग करे, डॉक्टर इंजीनियर बने। खैर क्या कर रही है रिया, किस चीज़ की कोचिंग कर रही है? रिया तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही है। क्या गवर्नमेंट जॉब? अरे किसको मिलती है आज के ज़माने में? और वैसे भी आज के ज़माने में जो कमाई डॉक्टर इंजीनियर्स की है वो गवर्नमेंट जॉब में कहाँ। बात तो तुम सही कह रही हो, पर क्या कर सकते हैं, बच्चों की अपनी इच्छाएं हैं, जो इच्छा हो बच्चों की वो करें। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, हम माँ बाप हैं, हम माँ बाप का फर्ज होता है बच्चों को सही रास्ता दिखाना। कल को बच्चे बोलते हमको पढ़ाई ही नहीं करनी, तो क्या हम उनको पढ़ाई नहीं करवाएंगे? मेरा बेटा राहुल है ना, वो भी बहुत नाटक कर रहा था, मुझे आर्ट लेना है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, लेकिन मैंने उसको साफ साफ बोल दिया कि तुझे बनना तो डॉक्टर ही है। अरे अभी से बच्चों को छूट दे देंगे क्या, जो मर्जी है वो बनो, ये कोई बात हुई? अच्छा मेरे हिसाब से तो ये सही नहीं है, बच्चों की इच्छा नहीं हो तो उस चीज़ में बच्चों को फोर्स करके नहीं डालना चाहिए। जब उनका मन ही नहीं है तो तुम ही बताओ कैसे सक्सेस होंगे उस फील्ड में? क्यों नहीं होंगे, मन से हर चीज़ थोड़ी ना होती है, हम उनके माँ बाप हैं, हम इतनी मेहनत से पैसे कमा के अगर उनको दे रहे पढ़ने के लिए तो पढ़ेंगे तो सही, थोड़ा प्रेशर तो बच्चों को देना ही पड़ता है। मैंने तो अपने बच्चे को कोटा भेज दिया है कोचिंग करने के लिए, क्योंकि यहाँ घर में रहेगा, चार दोस्तों से मिलेगा, इधर उधर, तो उसका पढ़ाई में मन ही नहीं लगेगा, इसीलिए मैंने कोटा भेज दिया है उसको। अच्छा ठीक किया, जो भी किया, जो तुम्हें सही लगा वो तुमने किया, जो मुझे सही लगा वो मैंने किया मेरे बच्चे के लिए। खैर चलती हूँ। अरे ऐसे कैसे, चाय नाश्ता तो करके जाओ, अभी अभी तो आई हो। अरे नहीं सुमन, फिर कभी, घर जाना है। ठीक है। आज तो क्या मजा चखाया मैंने इसको, मुंह तो उसका देखने लायक था। और सोचो अभी ये हाल है तो जब मेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा तब इसका चेहरा कैसे होगा। हेलो, हाँ राहुल, क्या हुआ, क्यों फोन लगाया तुमने? कुछ नहीं मम्मी, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, आप लोगों की बहुत याद आ रही है मम्मी। अरे तू पागल हो गया है क्या, तू वहाँ पे पढ़ाई करने गया या अच्छा लगने के लिए गया है? चुपचाप अपने काम से काम रखा कर, कोचिंग जा, आकर खाना खा और चुपचाप से पढ़ाई कर, इधर उधर का देखने की कोई जरूरत नहीं है। मम्मी मुझे यहाँ सच में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, और मेरा पढ़ाई में भी मन नहीं लगता मम्मी, मैं थोड़े दिन के लिए घर आ जाऊँ क्या? ऐसे कैसे घर आ जाऊँ, तुझे घर लाने के लिए भेजा है क्या वहाँ पर? अरे कितनी मेहनत से पैसे इकट्ठे करके वहाँ भेजा है और तू घर आने की बात कर रहा है, एक महीने नहीं हुए तुझे वहाँ गए हुए, और अगर तू ऐसे ही बार बार घर आएगा, दिन भर मुझे बार बार फोन लगाएगा, तो पढ़ाई कब करेगा? मम्मी प्लीज मुझे घर आ जाने दो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मैं वहीं कहीं पढ़ाई कर लूंगा, मुझे वहीं कोचिंग करवा दो मम्मी, मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, और यहाँ पे सब लोग मुझे बहुत चिढ़ाते हैं मम्मी, यहाँ के बच्चे बहुत बुरे हैं। हाँ हाँ, ना पढ़ने के हजार बहाने, बस एक तू ही अच्छा बच्चा है, बाकी तो सब वहाँ गंदे बच्चे हैं। तू पागल हो गया क्या, मुझे बेवकूफ समझा है? वहाँ भी सब अच्छे घराने के बच्चे जाते हैं और सब पढ़ने वाले बच्चे जाते हैं, किसी के पास फालतू में इतने पैसे नहीं है जो कोटा भेजेगा, समझा? और अब अपनी ये नौटंकी बंद कर और फोन रख और पढ़ाई पे ध्यान दे, और हाँ खबरदार अगर बार बार फोन लगाया तो, समझा? रखती हूँ फोन। ये बच्चा भी ना, नहीं पढ़ने के सौ बहाने, पढ़ने लिखने का इसका जरा सा मन नहीं करता। ये लड़का भी ना मानेगा नहीं, फिर फोन लगा दिया। हेलो राहुल, तुझे एक बार में मेरी बात समझ में नहीं आ रही क्या? बोला ना बार बार फोन मत लगा, पढ़ाई पे ध्यान दे। मम्मी मुझे यहाँ नहीं रहना मम्मी, प्लीज मम्मी मुझे घर बुला लो ना मम्मी, प्लीज मम्मी। अच्छा मेरी पापा से बात करवा दो, मैं पापा से बात करता हूँ। कोई बात नहीं, करवा रही पापा से, और पापा से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, पता है मुझे तू ऐसे नाटक नौटंकी करेगा और तेरे पापा तुझे घर बुला लेंगे, अरे उनको तो तेरे भविष्य की कोई चिंता ही नहीं है, तुम बाप बेटे एक जैसे ही हो। तू रख फोन और चुपचाप पढ़ाई पर ध्यान दे, समझा? और अगले तीन महीने घर आने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग तुझसे मिलने आ जाएंगे वहाँ पर, समझा? अब रख फोन। हे भगवान, ये लड़का भी ना सुनता ही नहीं है।
अरे मैंने 4 लोगों को बोल दिया है, अपने रिश्तेदारों को, मायके, ससुराल, सहेलियाँ, सबको बोल दिया है कि मेरा लड़का डॉक्टर बन के ही आएगा। और अभी ऐसे आ गया तो समाज में मेरी कितनी बदनामी होगी, किसको क्या मुँह दिखाऊंगी, सब कितना हंसेंगे। ये देखो चली थी बड़ा डॉक्टर बनाने और लड़का 1 महीने में घर वापस आ गया। हेलो राहुल, तुझे समझ में नहीं आ रहा क्या? हेलो आंटी, मैं राहुल का दोस्त बोल रहा हूँ। हाँ बेटा बोलो, राहुल के फोन से क्यों फोन किया, राहुल कहाँ है? ओ आंटी, आंटी राहुल ने सुसाइड कर लिया है। क्या? हाँ आंटी, आप लोग यहाँ आ जाइए, राहुल ने रात को सुसाइड कर लिया। मैं उससे मिला था तो वो बहुत रो रहा था और आप लोगों को भी बहुत याद कर रहा था। वो बोल रहा था मुझे घर जाना है, लेकिन ये भी बोला मम्मी ने मना कर दिया है, मैं जाऊंगा तो मम्मी मुझसे बहुत गुस्सा हो जाएगी, इसलिए उसने सुसाइड भी कर लिया आंटी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों इस वीडियो के जरिए एक छोटा सा मैसेज देने की कोशिश की हूँ। अभी रिजल्ट का समय है, सभी बच्चों के रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को प्रेशर देकर किसी भी फील्ड में डालने की कोशिश ना कीजिए। आपके बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट है उसमें उसको पढ़ाई करने दीजिए। आज के ज़माने में हर फील्ड में होप है, कैरियर है, हर चीज़ अच्छी है आज के ज़माने में। कहीं ऐसा ना हो कि आप समाज में अपना रुतबा बनाने के चक्कर में आप अपने बच्चे की जान से ही हाथ धो बैठें। और इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने घर परिवार का ध्यान रखिए।